नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के कर्नाटक आर्ट साइंस व कॉमर्स कॉलेज को नैक ने A+ रैंक प्राप्त होने पर एक अभिनंदन समारोह किया गया आयोजित। कांग्रेस सरकार बनते ही करवाएंगे जातिगत जनगणना, तेलंगाना में रैली में राहुल गांधी ने किया वादा। शिवराज के बदले अपने नाम पर वोट की अपील, पीएम मोदी की चिट्ठी ने बढ़ा दिया सस्पेंस। बीजेपी ने राजस्थान के लिए बनाया प्लान, जेपी नड्डा के घर हुई कोर कमेटी की बैठक, जल्द हो सकते हैं बड़े ऐलान। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 20 अक्टूबर को बीदर के कर्नाटक आर्ट साइंस व कॉमर्स कॉलेज में इस कॉलेज को नैक में A+ रैंक प्राप्त होने पर एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटक आर्ट साइंस व कॉमर्स कॉलेज के प्रबंधन समिति के सभी पद अधिकारी व सदस्यों के अलावा सभी शिक्षकगण और मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों और पदाधिकारियों को फूल देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारी व मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया और इस कॉलेज को नैक में A+ रैंक प्राप्त होने पर सभी को बधाई दी। इस अवसर पर कर्नाटक कॉलेज के पदाधिकारी व दूसरों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस समारोह में विस्तार से बात। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज इस वक्त कर्नाटक कॉलेज, हमारे ये डिग्री कॉलेज के लिए हमने A+ ग्रेड हमने नैक से लिया है, हमें मिला है। इसी खुशी में आज हम एक प्रेस मीट भी बुलाए हैं और आज एक अभिनंदन समारंभ भी हम आज इस कार्यक्रम में हम शामिल है। इस वक्त मैं यही कहना चाहता हूं, ये नैक A+ ग्रेड मिलने के खुशी में हमारे इसके लिए जो प्रयत्न किए हैं, इसके लिए जो सहकार, ज्ञान की परिधि बढ़ती जा रही है, नए नए कोर्सेज की ज़रूरत है। हमारा ये कॉलेज आने वाले दिनों में नए नए कोर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो, कुछ भी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और रिसर्च के ऊपर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उससे ये कॉलेज का स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे MOU हम करने जा रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बीदर में भारत सरकार की ओर से बीदर के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक सीपेड इंजीनियरिंग कॉलेज को मंजूरी दी गई है। इसका आज बीदर विश्वविद्यालय आज शुक्रवार को बीदर विश्वविद्यालय इमारत में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने किया। इस अवसर पर हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री फूलों का गुलदस्ता भेंट करके भव्य स्वागत किया गया और उनके आगमन पर उन्हें शॉल पगड़ी पहनाकर गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर भगवंत खूबा और इस कॉलेज के पदाधिकारी और दूसरों ने संबोधित किया। भगवंत खूबा और दूसरों ने केपी न्यूज से बात करते हुए संबंध में विस्तार से बताया। इस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर जिले को भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक सीपेट इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूरी हुआ है और आज विश्वविद्यालय का बिल्डिंग के अंदर शुभारंभ किया है और इस सीपेट के अंदर जो छात्र छात्राएं स्टडी करेंगे उनको मेरा दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज सीपेट के 48वें केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर जो लोग आए उनका हार्दिक अभिनंदन। और ये केंद्र निसंदेह सीपेट का जो बीदर में केंद्र है, ये यहाँ पर जो आसपास की जनता जो और आसपास के जो नौजवान हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास योजना के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये आसपास के जितने भी युवा वर्ग है उनको रोजगारोन्मुख कार्यक्रम जो है ये प्रदान करेगा, जिससे कि यहाँ के रोजगार की समस्या, यहाँ पर जो और भी लोकल चीज़ें हैं उनका।
चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की बयानबाजी और घोषणाएं बढ़ती जा रही हैं। तमाम दलों ने अपने तरीकों के जरिए लोगों को रिझाने के लिए कई हथकंडे अपनाए हैं। कोई जाति जनगणना, कोई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की बात कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए तेलंगाना पहुंचे। राज्य में पहुंचते ही उन्होंने जनता से वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हम पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। ऐसा ही हम तेलंगाना में सरकार बनने पर भी करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की चल रही विजय भेरी यात्रा के दौरान भूपालपल्ली से पेद्दापल्ली के रास्ते में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, देश में सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है। यह एक्सरे है जो दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की स्थिति पर प्रकाश डालेगा। उन्होंने कहा कि यह जनगणना निर्धारित करेगी कि देश का धन कैसे खर्च किया जाना चाहिए। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान है। इस बार तेलंगाना में सत्ता विरोधी लहर की वजह से कांग्रेस और सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस ने भी इसे देखते हुए अपनी पूरी ताकत यहां लगा दी है। इस माहौल के बीच बीजेपी ने भी यहां को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी अभी यहां खुद को स्थापित कर रही है और उसके पास सिर्फ एक सीट है। इसे देखते हुए बीजेपी अब यहां पूरी तरह से जीत की जगह किंग मेकर बनने वाली भूमिका के आधार पर चुनाव प्रचार की योजना बना रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस दफा जीत का सहरा किसके सिर बंधेगा, फैसला जनता को करना है। राजनीतिक दल परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुके हैं। मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अपनी कामयाबी और विरोधी पक्ष की नाकामी को आधार बना वोटर्स के दिल में उतरने की पूरी तैयारी है। इन सब के बीच यहां हम बात पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। यह बताया कि किस तरह से बीमारू राज्यों की श्रेणी से उन्होंने मध्य प्रदेश को बाहर निकाला। हालांकि वोट देने के मुद्दे पर लिखा कि मतदाता उन्हें ख्याल में रखे, अपने कीमती मत का इस्तेमाल करे। यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के संदेश देने के पीछे मकसद क्या है। राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों ने मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं। चुनावी रण में जीत हासिल कर राजस्थान में अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए कई दौर की बैठक की है। दूसरी ओर राज्य में सरकार गठन की कवायद में जुटी बीजेपी भी पीछे नहीं है। शुक्रवार 20 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर पार्टी की राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक हुई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। दोपहर के समय यह बैठक शुरू हुई जिसमें पार्टी के सांगठनिक महामंत्री बीएल संतोष के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी नमो भारत ट्रेन के पहले चरण को हरी झंडी दिखा दी है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हम जिस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। ये पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है।
एक से डेढ़ साल बाद मेरठ खंड का उद्घाटन भी हम ही करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रेन महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। देश को रैपिड ट्रेन की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा, रैपिड रेल के पहले चरण का उद्घाटन हो गया है। ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह देश की पहली रैपिड ट्रेन है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हुई है। लगभग चार साल पहले दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक के हिस्से पर नमो भारत का संचालन प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 85 सीटों पर नाम की घोषणा की गई है। इसमें तीन विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जिनमें पूर्व में घोषित उम्मीदवारों को बदल गया है। घोषित किए गए नए उम्मीदवारों में सूबे में पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति के नाम शामिल। प्रजापति को गोटेगांव सीट पर फिर से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। पहली लिस्ट में नर्मदा प्रजापति का नाम नहीं था। उनकी जगह इस सीट पर शेखर चौधरी को टिकट दिया गया था। दूसरे उम्मीदवार जिनका टिकट दूसरी लिस्ट में काट दिया गया है, उनका नाम शैलेंद्र सिंह है। पार्टी ने उन्हें शिवपुरी जिले के पिछोरे विधानसभा सीट पर पहली लिस्ट में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जो दूसरी लिस्ट आई उसमें उनका नाम काटकर अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया। केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के साथ शुक्रवार 20 अक्टूबर 2023 को संयुक्त बैठक हुई। बैठक में दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से नेशनल कैपिटल रीजन में पटाखे जलाने और डीजल बसों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। गोपाल राय ने बताया कि बैठक के दौरान दिल्ली सरकार ने पूरे एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय सुझाए। इससे पहले गोपाल राय ने केंद्र से सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए सहयोगात्मक रूप से एक कार्य योजना विकसित करने के लिए सभी एनसीआर राज्यों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। यादव को लिखे पत्र में राय ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोतों पर ध्यान नहीं देते। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9994528-3920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ऐसा लग रहा है कि कई मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर कमलनाथ कुछ ज्यादा ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। पहले तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को नाराज किया और फिर अब उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे नाराजगी और भी बढ़ सकती है। हाल ही में कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे अखिलेश यादव के बारे में पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश विखिलेश को छोड़िए। इसके बाद उन्होंने अपनी कार आगे बढ़ने का इशारा किया। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा में यह बात कही है। कमलनाथ ने कहा कि माहौल बहुत अच्छा है, लोग हमें फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, हम उम्मीद से भी बेहतर संख्या से जीतेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कांग्रेस पर विश्वासघात के आरोपों पर कमलनाथ ने कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश विखिलेश,
इसके बाद इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। इस दौरान वे अपनी गाड़ी में बैठे थे और अपने ड्राइवर से आगे बढ़ने को कहा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज 20 अक्टूबर 2023 दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि के मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकील ने महुआ का साथ छोड़ दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ पैसे लेकर सांसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। महुआ ने इन आरोपों के जवाब में दुबे के खिलाफ मानहानि का केस शुक्रवार 20 अक्टूबर 2023 को इस मामले की सुनवाई के दौरान महुआ की पैरवी कर रहे वकील ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के कर्नाटक आर्ट साइंस व कॉमर्स कॉलेज को नैक ने A+ रैंक प्राप्त होने पर एक अभिनंदन समारोह किया गया आयोजित। कांग्रेस सरकार बनते ही करवाएंगे जातिगत जनगणना, तेलंगाना में रैली में राहुल गांधी ने किया वादा। शिवराज के बदले अपने नाम पर वोट की अपील, पीएम मोदी की चिट्ठी ने बढ़ा दिया सस्पेंस। बीजेपी ने राजस्थान के लिए बनाया प्लान, जेपी नड्डा के घर हुई कोर कमेटी की बैठक, जल्द हो सकते हैं बड़े ऐलान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।